तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली अपना पीसी बिल्ड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैंने अपने डिब्बे सजा दिए। जैसे कोई भी यूट्यूबर नया पीसी बिल्ड करता है तो ऐसे डिब्बे लगा के दिखाते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ करे ब्रांडेड। तो गाइज मैंने भी लगा दिया यहाँ पे। मेरा बस यहाँ पे मदरबोर्ड ब्रांडेड नहीं है, तो कि ये जेनरिक मदरबोर्ड है चाइनीज़। और मोदी जी ने जैसा बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम यूज़ करना बंद करेंगे। तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे जो मदरबोर्ड रैम और प्रोसेसर जो कि मैंने एक चाइना से मंगवाए थे, चाइना मीन्स अली एक्सप्रेस ऑर्डर करे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था। तो इसका मैं ऑल्टरनेटिव बता दूंगा कि आप कौन सा प्रोसेसर और रैम यूज़ कर सकते हैं सेम बजट में। तो गाइज मेरे यहाँ पे बजट था 25,000 के अराउंड, और अगर आप इसको और अपग्रेड करना चाहते हैं तो 30,000 तक आप इसको खींच सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे, मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं और कंपोनेंट्स क्या क्या लगाए हैं मैंने अपने पीसी में। तो आप एक बार पीसी की शक्ल देख सकते हैं कि अंदर से कैसा दिख रहा है। तो एक मिनट में कैमरा। तो गाइज मेरा यहाँ पे पुराना कैबिनेट था जो मैंने यहाँ पे वो यूज़ करा है, और इसमें पैनल वैनल कुछ नहीं था। ये मैंने ग्लास का पैनल तो नहीं है, प्लास्टिक का पैनल लगा दिया यहाँ पे ताकि मुझे अंदर दिखता रहे कि क्या काम हो रहा है। थोड़ा अच्छा ही लुक देता है, बट अभी इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा। मैं इसमें RGB वाला लगाने की कोशिश करूँगा, वरना या फिर नया कैबिनेट परचेस करूँगा। तो गाइस ये आपको पुराना कैबिनेट भी 1,000 रुपये के अराउंड मिल जाएगा मार्केट में, तो या फिर आप पे पुराना पड़ा ही होगा। तो देख सकते हैं आप इतना अच्छा लग रहा है, ये ग्राफिक कार्ड है मेरा, आप नीचे से देख सकते हैं। तो और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। तो गाइस सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है हमारे यहाँ पे, ये अपना चाइनीज़ जेनरिक मदरबोर्ड है जो कि किलसायर की तरफ से आने वाला X58 मदरबोर्ड है, जिसमें आपको 2 USB 3.0 मिलने जाएंगे देखने को, और एक PCIe X16 का स्लॉट मिलेगा जिसमें आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं कोई भी अभी लेटेस्ट जो भी आ रहे हैं। तो गाइज मेरे यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड मैंने अपना यूज़ करा है, ये RX 570 है, GigaByte की तरफ से आने वाला AMD का रेडियोन RX 570। तो गाइज ये 4GB वेरियंट है, 2 फैन लगे हैं। तो आपको बेंचमार्क्स तो मैं करके दिखाने वाला हूँ कि कैसी गेमिंग होने वाली है इस पर। और जो मेरा यहाँ पे प्रोसेसर है जो मेन काम करने वाला है इस पीसी में, तो गाइज वो मेरा X5670 है, Xeon Dell, जो कि एक कोर i5 8th जनरेशन को टक्कर देता है, और वो हेक्सा कोर है और 12 थ्रेड है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको 12 MB तक का कैश देखने को मिल जाएगा। और मेरा जो CPU कूलर है यहाँ पे मैंने यूज़ करा है Hyper 410R कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला, ये मुझे 1700 के अराउंड कॉस्ट करा है। हाँ तो मैं गाइस इसकी कॉस्टिंग बताना भूल गया अपने ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड की, जो कि ग्राफिक कार्ड मुझे पड़ा 10,500 के अराउंड। ये मैंने अपने अंकल से परचेज़ करा है जो मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो आपको मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पर ये शायद आपको उतने का ना पड़े जितने का मुझे पड़ा है। तो मैं टोटल कॉस्टिंग आपको बताने वाला हूँ। ये आपको RX 570 जो है Amazon पे 12,000 के अराउंड पड़ जाएगा। अगर ऑफलाइन मार्केट में भी परचेज़ करेंगे तो बार्गेनिंग के थ्रू आपको क्या पता 11,000 तक का भी मिल जाए। और जो मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड परचेज़ करा है, ये AliExpress से मंगवाया था मैंने, X58 मदरबोर्ड है, USB 3.0 2 मिल जाएंगे आपको उसमें, और 4 USB के स्लॉट हैं, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं वीडियो में। कोर्सर की VS550 मैंने यहाँ पे परचेज़ की है अपने पीसी को पावर देने के लिए, जो कि एक 550 वॉट की पावर सप्लाई है, 3 साल की गारंटी मिलने वाली है आपको, और 80+ पावर एफिशिएंसी मिलने वाली है आपको। तो इसमें गाइस आपको 24 पिन कनेक्टर मिलने वाला है आपका, वो 20 पिन वाला नहीं है और डी अटैचेबल नहीं है, या फिर तुम उसे 20 पिन में यूज़ कर पाओगे, नहीं हो पाएगा इसमें 24 पिन के, तो डायरेक्ट 24 पिन वाले मदरबोर्ड में लगने वाली है, आप किसी ओल्ड मदरबोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते पुराने पीसी बिल्ड में। तो दो आपको CPU की 8 पिन कनेक्टर मिलेगी, और 2 ग्राफिक कार्ड के लिए PCIe जो होता है 8 पिन कनेक्टर वो भी मिलने वाला आपको यहाँ पे, जो डी अटैचेबल है। आपको 6 पिन वाला ग्राफिक कार्ड लगाना तो 6 पिन वाला भी चल जाएगा, और 8 पिन वाला आना तो 2 8 पिन वाला भी लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और यहाँ पर आपको 7 कनेक्टर मिलने वाले हैं SATA और हार्ड डिस्क के, जो भी यूज़ करना है आपको। और पेरिफेरल कनेक्टर आपको यहाँ पे 2 मिलने वाले, जिसमें आप केस फैन लगा सकते हैं या फिर पुरानी ओल्ड हार्ड डिस्क होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्लॉपी कनेक्टर मिलेगा, और फ्लॉपी कनेक्टर तो फ़ायदा है नहीं आजकल, कोई यूज़ नहीं करता, बंद होगी यानी, तो फिर भी अच्छी बात है दी है इन्होंने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की स्लीव्स भी लगी हुई हैं हर एक वायर पर, तो बहुत अच्छा लुक देती है। आपने अगर
गेमिंग पीसी भी देखें तो VS550 और VS450 जितनी भी चीज़ें हैं कॉर्सेयर की और कूलर मास्टर की बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मेरे कैमरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रही पीसी में, तो कि मेरा कैबिनेट पुराना है और मैंने यहाँ पे ऐसी लुक वाइज देने के लिए अपना पैनल लगा दिया, ऐसे कांच का तो नहीं है प्लास्टिक का ही जैसा आपको मैंने वीडियो में बताया, तो कोई नहीं पर अच्छा लग रहा है। अभी 24,000 में भी कुछ इतना इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो आप बेंचमार्क्स का मजा लें कि कैसी गेम चल रही है GTA 5 और PUBG PC Lite। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे GTA 5 इतनी स्मूथली रन होने वाली है, तो अभी ये स्टार्ट हो रही है। जब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरेज आपको बताई नहीं, मैंने यहाँ पे स्टोरेज हार्ड डिस्क यूज़ करी है, अभी SSD नहीं लगाई है क्योंकि मेरा बजट बहुत स्ट्रिक्ट था, और ये 500 GB की हार्ड डिस्क है वही 7200 RPM वाली। तो और गाइज मैंने ऑनलाइन परचेस कर रखी है GTA 5 पर, वो क्रैश हो रही थी बार बार, तो मैंने ये ऑफलाइन वाली डाउनलोड करी है अभी, तो वो चल तो गई थी पर क्रैश हो रही थी पता नहीं क्यों, मैं उसको देखूंगा अभी, इतना पता नहीं चल रहा कि क्यों करप्ट हुई है वो। 94 GB की गेम थी, मैंने डिलीट कर दी, तो दोबारा डाउनलोड करने में मतलब कौन ही सोचे, 2 दिन लग गए थे मुझे, 2 दिन इसलिए लग गए थे कि क्योंकि नेट की स्पीड सही नहीं आ रही थी, तो बुरा ही लगता है 94 GB की डिलीट करके। तो हाँ गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको FPS दिखा देता हूँ कितने आने वाले हैं इस पे। और MSI का आफ्टर बर्नर से मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ कितने यहाँ पे आपको मिलने वाले FPS। तो गाइस यहाँ से आपको फ्रेंड्स थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए सॉरी। और आप भी देख सकते हैं कि मतलब मैंने गेम पीछे रन कर रखी है और कितनी स्मूथली मतलब मल्टीटास्किंग भी हो पा रही है। मैं अगर आपको 3-4 गेम और दिखाऊं चला के मतलब सेम टाइम पे रनिंग पे, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब बहुत हैवी हैंडल कर लेता है PC वर्क। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गई मेरी, आप देख सकते हैं कोई भी लैग या स्टटरिंग देखने को नहीं मिलने वाली। ये मेरी बिल्कुल हाई सेटिंग्स पर रन कर रही है अभी गेम, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ग्राफिक्स 920x1080 रेशो है, वो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और 60Hz पर रखा है, और वीडियो मेमोरी भी मेरी बस 2357 MB यूज़ हुई है 4 GB में से, मतलब 2 GB यूज़ हुई है 4 GB में से। तो गाइस ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ रन कर रही है। तो गाइस ये आपको 60 FPS में देखने को नहीं मिलने वाली, तो कि मैंने 30 FPS में रिकॉर्ड करी है अपने फ़ोन के थ्रू, और मेरा 60 FPS वाला फीचर अभी वर्क नहीं कर रहा फ़ोन में कि मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा पाऊँ। गाइस इस PC बिल्ड में आपको बहुत मजा आने वाला है गेमिंग करने में। तो फ्रेंड यहाँ पे PUBG PC लाइट स्टार्ट हो गई है और मैच 25 सेकंड में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और आप यहाँ पे FPS देख सकते हैं कितने डिस्प्ले हो रहे हैं, मिनिमम 124 आ रहे हैं मैक्स सेटिंग पे, और अभी जो एवरेज आ रहे हैं FPS 144 में देख सकते हैं 140 के अराउंड एवरेज FPS आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही अपने इस गेम में, बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है, आप देख सकते हैं पेड़ वेड़ नीचे यहाँ पे ट्रीज वगैरह सारे मतलब कितना अच्छे से रेंडर हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी भी मुझे 300 FPS एवरेज मिल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और मिनिमम 273, और यहाँ पे रेजोल्यूशन मेरे 100% है, मतलब कि कोई भी
सेटिंग मैंने लो नहीं करी, यहाँ पे बिल्कुल फुल सेटिंग्स पे चला रहा हूँ। और ये मैंने जैसे लैंड करा यहाँ पे थोड़े फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले जो कि 122 तक गए, 132 वापस एवरेज हो गए 140 ग्राम। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है बिकॉज हाई सेटिंग्स पे है और थोड़ा बहुत रेंटिंग में टाइम लगता है। पबजी थोड़ी ग्राफिक डिमांडिंग गेम तो नहीं है बट प्रोसेसर डिमांडिंग गेम है तो कि इसमें रेंडरिंग बहुत अच्छी होती है। तो गाइज वैसे मेरा इतना प्रोसेसर घटिया भी नहीं है, कोर i5 8 जनरेशन के बराबर ही है। तो गाइज मैं एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक हाथ से खेल रहा हूँ, तो जो वीडियो में डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और चैनल पे लगे हो नए होता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसी नई वीडियोज़ आती रहेंगी पीसी बिल्ड के ऊपर। और आपको अपना पीसी बिल्ड कितने के बजट में बिल्ड करना है उसके टॉपिक पे भी हम वीडियो बना दिया करेंगे इस चैनल पे। तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब ड्राइव करते वक्त भी FPS 200 तक मैक्स आ रहे हैं।